सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन सीट, तो एम्ब्रियो किसके अंदर प्रेजेंट होगा? सीट के अंदर। तो मैंने कहा कि सीड है सीड लीव्स, सीड के अंदर सीड लीव्स होंगे और ये सीड लीव्स ऑल्सो कॉल्ड कॉटिलीडन्स। तो सीड लीव्स को हम कहते हैं कॉटिलीडन। ये बिल्कुल बात ऐसी है कि अगर आप देखें तो ये मटर का दाना है, और अगर मटर के दाने को अगर आप देख रहे हैं तो ये मटर के दाने में ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों के दोनों कॉटिलीडन्स कहला रहे हैं। तो अगर दो कॉटिलीडन्स नजर आ रहे हैं तो आप इसको कह देते हैं डाइकॉट, और अगर एक कॉटिलीडन होता तो आप कह देते हैं इसको मोनोकॉट। तो मैंने कहा कि देखो ये जो कॉटिलीडन है, इसी तरह ये कॉटिलीडन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो कॉटिलीडन्स नजर आ रहे हैं, और जब दो कॉटिलीडन्स नजर आ रहे हैं तो आपने इसका नाम दे दिया डाइकॉट। यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट आइए, तो मैंने कहा कि बेस्ड ऑन कॉटिलीडन, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलीडन, नंबर ऑफ कॉटिलीडन दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो है दो टाइप्स के होंगे, एक होगा बेसिकली डाइकॉट और दूसरा होगा दैट इज मोनोकॉट। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो टाइप के होते हैं एंजियोस्पर्म्स, किसके बिना पर, तो ये बेसिकली बेस्ड ऑन कॉटिलीडन, ये दो टाइप के हैं, एक है डाइकॉट और एक है मोनोकॉट, ठीक है। और अब अगर देखा जाए तो डाइकॉट का एग्जांपल की बात कर लें तो दैट इज एन आइपोमिया, आइपोमिया पी आइपोमिया, और मोनोकॉट की बात करें तो दैट इज अ पैपियोपेंडुलम, पीपियोपेंडुलम, पैपियोपेंडुलम, पेंडुलम नहीं है, पेंडुलम सर, पेंडुलम, दैट इज अ पी ए पी एच आई ओ, दैट इज अ पैपियो। उसके बाद है पेडिलम, तो ये पढ़ा जाएगा पैपियो पेडिलम, और दिस इज एन आइपोमिया। सर और कोई आसान एग्जाम्पल नहीं है? नहीं, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, इसीलिए आपको यही याद करने पड़ेंगे। और इसीलिए एक एक एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा है ही नहीं। से एक मिनट ऊपर करिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, यहां पर मैंने लिख दिया है दैट इज अ कैरेक्टर्स, और यहां पे मैंने लिख दिया है दैट इज डाइकॉट, और यहां पर लिख दिया है मैंने मोनोकॉट। तो कैरेक्टर में ये बताइए कि सबसे पहले आपने क्या लगाया, दैट इज सीड, क्या लगाया है जमीन में, सीड। उस सीड से क्या चीज निकल के आएगा सबसे पहले, That is root. Root के निकलने के बाद क्या निकल के आएगा, तो आपने कहा स्टेम। स्टेम जब निकल आया तो इसके बाद क्या आएगा, लीव्स आ जाएंगी, लीव्स आ जाएंगी। तो लीव्स की बात करें तो हम बात करेंगे वेनेशन की, हालांकि ये सब अभी आगे बताएंगे कि क्या चीज होती है ये सब। इसके बाद जब लीव्स आ गई तो अब क्या आएगा, तो आ जाएंगे फ्लावर्स, ठीक है। चलिए बस इतना ही बहुत है।
और एक और मैंने यहाँ लिख दिया है तो पहले बर्ड आएगा। हाँ जी बर्ड आएगी फिर फ्लावर आएगा, ऑब्वियस बात है, लेकिन बर्ड दोनों में एक जैसी आती है तो इसीलिए हमने उसको लिखा ही नहीं है। हमने सिर्फ उसकी बात की है जो हमें ये बता सके कि डाइकॉट में और मोनोकॉट में आपस में क्या फर्क है। तो अब अगर बात करें हम तो सीड के अंदर अगर आप देखते हैं तो डाइकॉट में सीड ऐसा मिलेगा आपको, तो इसका मतलब इसमें कितने कॉटलीडंस हैं? टू। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कॉटलीडन की बात करें तो यहां पर टू कॉटलीडंस हैं, किसके अंदर? डाइकॉट। डाइकॉट में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डाइकॉट। डाई माने क्या है? दैट इज टू, एंड कॉट का मतलब क्या है? दैट इज कॉटलीडन। ये बात सही है। और मोनोकॉट में कितने कॉटलीडन होंगे? दैट इज वन कॉटलीडन होगा। आपने कभी मेस का दाना देखा है? मेस का? Yes, sir. हाँ मक्का का, ऑब्वियस बात है मक्का का, उसी को मेस कहते हैं। ऐसा ही होता है मक्का का दाना। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का कॉटलीडन होता है, ये कॉटलीडन है। तो दिस इज अ कॉटलीडन। मोनोकॉट के कॉटलीडन के लिए हम एक टर्म और यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्क्यूटलम। तो मोनोकॉट के कॉटलीडन का क्या नाम है? That is known as scutellum. और डाइकॉट के कॉटलीडन का कोई नाम नहीं है, वो सिंपल जो है कॉटलीडन कहलाता है। और डाइकॉट में कितने कॉटलीडन्स हैं? दो। मोनोकॉट में कितने कॉटलीडन्स हैं? वन। अब आइए रूट की बात कर ले। तो यहां पर टैपरूट में रूट आएगी, टैपरूट जो रूट आएगी वो आएगी किसके अंदर? डाइकॉट में। और मोनोकॉट के अंदर जो रूट आएगी वो आएगी फाइब्रस रूट। तो रूट में यानी अगर रूट डाइकॉट, रूट अगर टैपरूट है तो इसका मतलब ये कौन सा प्लांट होगा, कैसा होगा ये प्लांट? डाइकॉट। और अगर फाइब्रस रूट है तो क्या होगा? मोनोकॉट। मोनोकॉट होगा। अब सवाल यह है कि कैसे हम पहचानेंगे कि डाइकॉट रूट टैप रूट कौन सी होती है और मोनोकॉट कौन सी होती है, वो फाइब्रस रूट कौन सी होती है। तो मैंने कहा कि अगर दिखाया जाए तो इस तरीके की रूट है, इस तरीके की रूट है, और फाइब्रस रूट देखें तो इस तरीके की रूट है। क्या ना फर्क नजर आ रहा है दोनों रूट्स में? सर टैप रूट में सिंगल बना है। सिंगल है तो वो सिंगल है और वो फाइब्रस, वो मल्टीपल है, क्या ये बात सही है? यस सर। अच्छा ये बताइए कि सिंगल रूट आपने कहाँ देखी और मल्टीपल रूट आपने कहाँ देखी है, जल्दी बताइए। सिंगल रूट डाइकॉट में सिंगल कैरेट देखिए, कैरेट देखिए नहीं देखी? यस सर। कैरेट में एक ऐसा ही निकली होती है, नहीं होती है इस तरीके की रूट? यस सर। तो इसका मतलब कैरेट क्या है? डाइकॉट। डाइकॉट है, क्लियर है बात? इसी तरीके से टर्निप क्या है? डाइकॉट। डाइकॉट। इस तरीके की रूट आपने कहाँ देखी है? इस तरीके की रूट कहाँ देखी है? अनियन में। अनियन क्या है? मोनोकॉट है। पहचान लेंगे आप रूट के बिना पर कि कौन सा डाइकॉट है कौन सा मोनोकॉट है? सीड के बिना पर पहचान लेंगे कि सीड अगर देख के आप बता सकते हैं कि डाइकॉट है मोनोकॉट है? यस सर। ओके नेक्स्ट आ जाइए। तो मैंने कहा कि अगर स्टेम की बात कर लें तो मैंने कहा अगर सॉलिड स्टेम है, कैसा स्टेम है? सॉलिड, तो इसका मतलब डाइकॉट है। और अगर हॉलो स्टेम है तो इसका मतलब ये कौन सा स्टेम, कौन सी प्लांट है ये? मोनोकॉट। मोनोकॉट। तो बताइए दोनों स्टेम में क्या फर्क नजर आएगा, डाइकॉट में और मोनोकॉट में?
सर ये जो डाइकोट होगा सॉलिड होगा और जो मोनोकोट होगा होलो होगा। तो ये बताओ ऐसा कौन सा स्टेम तुमने देखा है जो अंदर से होलो होता है? हाँ जी, ऐसा कौन सा स्टेम देखा है जो अंदर से होलो होता है? कभी घास देखी है? घास देखी है कभी? नहीं। अच्छा एक और बात समझ लीजिए कि जो सॉलिड हम कह रहे हैं, सॉलिड इसका मतलब है वुड प्रेजेंट है। सॉलिड जो है वो किसकी वजह से है? वुड की वजह से। और हॉलो का मतलब है वुड एब्सेंट है। तो ये जो सॉलिड है या हॉलो है ये किसके बिना पर है, किसके ऊपर बात हो रही है? वुड के ऊपर। तो ये बताइए किसमें वुड प्रेजेंट होगी और किसमें एब्सेंट होगी? डाइकॉट में प्रेजेंट होगी और मोनोकॉट में एब्सेंट होगी। तो अब मुझे ये बताओ कौन से प्लांट्स है जिनके अंदर वुड नहीं होती है? मोनोकॉट। अरे एग्जांपल बताओ। बनाना ट्री जब बास होता है। तो आपने कहा कि बनाना जो है ये, किसी ने कहा बैम्बू, तो ये रहा बैम्बू भी। अंदर से हॉलो होता है बैम्बू भी, पर अगर अंदर से हॉलो है तो इसका मतलब ये क्या है? दे आर मोनोकॉट्स। अगर सॉलिड है तो इसका क्या मतलब है? कौन कौन से होंगे भाई सॉलिड में, कौन कौन आ जाएगा? सर लकड़ी के तो बने हैं ना। अरे पागलपंती की बात है ना करो, लकड़ी के बनेंगे पेड़ या लकड़ी इनमें बनेगी? हाँ भाई, इसके अंदर कौन से पेड़ होते हैं जिनके अंदर वुड प्रेजेंट होती है? सर नीम, मैंगो। आपने कहा कि नीम है, मैंगो है, इनके अंदर वुड प्रेजेंट होती है। और क्या बता रहे हैं? चलिए पर आलिए, सारे के सारे जिसमें वुड प्रेजेंट है ये सब के सब डाइकॉट प्लांट्स हैं, देख लीजिए। इसके बाद आती है लीव्स की। हाँ क्या कह रहे हैं? मोस्टली सॉलिड होते हैं, इसीलिए डाइकॉट ज्यादा है और मोनोकॉट कम है। डाइकॉट तकरीबन 2.5 लाख है और मोनोकॉट जो है वो 50,000 है सिर्फ। समझ रहे हैं? तो ज्यादा कौन है? डाइकॉट। इसीलिए आपको ज्यादातर डाइकॉट और वुड ही पेड़ नजर आते हैं। चलिए इसके बाद आइए वेनेशन पर। अगर आप वेनेशन को देखें तो मैंने कहा कैसे करके लीफ होती है, और इस लीफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके कुछ नजर आता है, दिखा है कभी? नहीं। यस यस सर। अच्छा कभी इस लीफ को पलट कर देखिए तो इसके नीचे एक जाली जैसी नजर आती है ऐसी। यस सर। आती है जाली या नहीं आती है? तो इस जाली को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्या कहलाता है ये? रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर बनाना की लीव देखें आप तो बनाना की लीव इस तरीके की होती है और वहां पर सारे ऐसे नजर आएंगे, पैरेलल वेनेशन। तो दिस इज द पैरेलल वेनेशन। तो इसको आप क्या कह देंगे? दैट इज द पैरेलल वेनेशन। अब सवाल ये आता है कि वेनेशन का मतलब क्या होता है? तो वेनेशन का मतलब होता है दैट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स को हम कहते हैं वेनेशन। बात समझ रहे हैं या नहीं? और अब सवाल ये है कि वेन का मतलब ये नजर आ रही है बीच में बड़ी सी, दिस इज कॉल्ड एज वेन, और ये जो छोटी छोटी इससे निकलती हुई नजर आ रही हैं, दे आर नोन एज वेनलेट्स। तो किसके अरेंजमेंट को हम वेनेशन कहते हैं? वेन और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को हम वेनेशन कहते हैं। वेन का एक और भी नाम है दैट इज अ मिडरिब। वेन का एक और भी नाम क्या है? मिडरिब है। मिडरिब। और इसके अंदर वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जो वेन और वेनलेट्स है इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल किसको कहते हैं? जाइलम ऑफ फ्लोएम। तो पत्ती के अंदर, लीफ के अंदर किसके अंदर होते हैं वास्कुलर बंडल्स? वेन और वेनलेट्स के अंदर। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक?
चलिए नेक्स्ट आइए डेट इज अ फ्लावर पर। अगर फ्लावर की बात कर लें तो मैंने कहा कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं भाई। एक होता है हाँ, क्या क्या बताया आपने? सबसे पहले आपने कहा कि सेपल है, पेटल है, स्टैमेन है और कार्पेल है। ये चार पार्ट्स होते हैं, समझ रहे हैं? अगर ये चार पार्ट मैंने कहा कि फोर की टेबल में आते हैं तो आप इसको कह देते हैं टेट्रामेरस। किसकी टेबल में आए? फोर की टेबल में। अगर फोर की टेबल में आ रहे हैं तो आपने इस फ्लावर को नाम क्या दे दिया? टेट्रामेरस। और अगर ये फाइव की टेबल में आते तो क्या कहते हैं आप इसको? पेंटामेरस। पेंटामेरस। तो आप कह देते पेंटामेरस। दैट इज अ पेंटामेरस फ्लावर या टेट्रामेरस फ्लावर। ये बताइए अगर फ्लावर टेट्रामेरस या पेंटामेरस है तो इसका मतलब ये किस तरीके के प्लांट्स है? डाइकॉट। डाइकॉट। और अगर मान लेते हैं कि ट्राइमेरस फ्लावर है, कैसे फ्लावर है? ट्राइमेरस। दैट इज अ ट्राइमेरस फ्लावर है। और अगर ट्राइमेरस फ्लावर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस तरीके के प्लांट्स होंगे? मोनोकॉट। मोनोकॉट। अच्छा ये बताइए कि ट्राइमेरस के अंदर किसके मल्टीपल होंगे? थ्री के। मल्टीपल ऑफ थ्री होंगे। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यस सर। तो फिर कौन कौन सा होगा? कौन कौन सा होगा? अच्छा एक बात बताइए कि पैरेलल वेनेशन आपको किन किन प्लांट्स में मिलेगा, जरा कोई एग्जांपल बता दीजिए। बनाना के अलावा बता दीजिए किसी और में? बाम्बू में सर। बाम्बू के अलावा कोई और बताइए। तो ये समझ लीजिए कि जितने पेड़ आपने बताए हैं, ये वाले बनाना, बैम्बू, अनियन, ये जितने बताए हैं सबके अंदर ट्राइमेरस फ्लावर होगा। बात समझ रहे? पार्ट्स कौन कौन से होंगे सर? कौन से वाले? जो फ्लावर बियरिंग में। फ्लावर बियरिंग में मैंने ये कहा कि एक सेपल होता है, पेटल होता है, स्टैमिन होता है, कार्पेल। देखिए मैंने कहा कि ट्राइमेरस फ्लावर का मतलब है सेपल है मान लेते हैं सिक्स, पेटल मान लेते हैं 12 है और स्टेमिन मान लेते हैं 3 है, ठीक है, और कापिल मान लेते हैं 6 है। अब बताइए ये किसकी टेबल में आ रहे हैं सब? 3 के सर। 3 के। जब ये 3 की टेबल में आ रहे हैं तो फ्लावर क्या कहला रहा है? ट्राइमेरस। ट्राइमेरस। अगर 4 की टेबल में आते तो क्या कहलाते? टेट्रामेरस। टेट्रामेरस। और अगर 5 की टेबल में आते तो क्या कहलाते? पेंटामेरस। पेंटामेरस। अब भी नहीं आई बात समझ? आ गई। हाँ जी अब आइए एग्जांपल्स पर। नेट इशू हो गया था। क्या हुआ? रिपीट कर दीजिए। नेट इशू हो गया था। नेट इशू हो गया था। मैं क्या करूँ अभी सर? वीडियो देख लेंगे सर बाद में। अभी दो मिनट। हाँ तो आइए एग्जांपल्स पर। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो डाइकॉट के एग्जाम्पल बताइए। आइपोमिया सर। दैट इज आइपोमिया। आइपोमिया के अलावा सर कैरेट है, किसी ने बताया मटर है, इसके अलावा सर रेडिश। रेडिश है, ठीक है, इसके अलावा टर्निप। इसके अलावा नीम। कैसे पता चला नीम भी होगा? सब पीपल। ये वुड होता है ना जी, पीपल। ये सब के सब डाइकॉट है। ये सब के सब डाइकॉट है। मोनोकॉट के एग्जांपल बताइए। ये पहली चीज है, अनियन है। इट इज नॉट अ ओनियन, इट्स अ अनियन। अनियन। अनियन के अलावा जिंजर। मेज। तो जिंजर, मेज, ठीक है, मेज। और बताएं? ग्रास। देखिए कभी ग्रास? यस सर।
लास्ट में वोट होती है? नो सर, नो सर, शुगर केन नहीं होती ना, इसीलिए ये भी मोनोकॉट है सर। शुगर केन, शुगर केन, राइस, राइस, पाम ट्री, पाम, लेडी फिंगर भी तो होगा सर फिर। लेडी फिंगर के अगर आप वेनेशन देखोगे लेडी फिंगर का, तो रेडिकुलेट वेनेशन मिलेगा आपको, और जब रेडिकुलेट वेनेशन मिल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वो डाइकॉट है। हाँ बताएं क्या कह रहे हैं। पपाया प्लांट, पपाया के अंदर भी बेसिकली वुड नहीं होता है, बट अगर उसकी आप, हाँ उसकी अगर आप पत्ती देखेंगे ना, पपाया की पत्ती रेडिकुलेट वेनेशन होता है सर, तो पपाया की पत्ती इस तरीके की होती है। सर उसे तो कॉमन होना चाहिए ना। क्या हुआ यार, यहाँ पर ना डिसाइड करना है किसी एक में रखना है, दोनों में नहीं रख सकते, और अगर दोनों में रख दिया तो फिर क्लासिफिकेशन का फायदा ही क्या हुआ। अब ये बताइए कि पपाया की पत्ती के अंदर किस तरीके का वेनेशन है? रेटिकुलेट। और जब रेटिकुलेट वेनेशन है तो आपने उठा के पपाया को किस में रख दिया? डाइकॉट। डाइकॉट में। तो इसका मतलब ये है कि एक फीचर को देख के ही नहीं बताना है, बल्कि कम से कम आप दो फीचर को कंपेयर करिए, कम से कम दो फीचर कंपेयर कर लीजिए, बात समझ रहे हैं, तब आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि डाइकॉट है या मोनोकॉट है। बात यहां तक क्लियर हो गई? यस सर, यस सर। एक और आपने बताया ही नहीं, दैट इज अ पैपियोपेडिलम, एरो रूट। ये क्या होता है भाई, मुझे भी नहीं पता। भाई कहाँ से ला रहे हो यार। ठीक है चलिए भाई, आता है।